का सिंहासन भाग दो। दृढ़वती सुदर्शन को लेकर पंडिता सकुशल बिना बाधा के रानी अभयक को महलों में पहुंच गई। आज रानी ने अपना श्रृंगार किया था, उसने शैया भी सजाई थी। पद्मासन में बैठे सुदर्शन को उसने संबोधित किया, पर वह कुछ नहीं बोला। रानी ने बहुत तरह से अनुनय विनय करके सुदर्शन से भोग की याचना की, तो उसने रानी को समझाया कि आप मेरी माता हैं, मैं आपकी प्रजा हूँ, इसलिए पुत्र के समान माता के साथ भोग करना पाप है। पाप पुण्य की बातें कहकर मुझे मत बहलाओ सुदर्शन, रानी ने कहा। मैं कपिला नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊँगी, या तो मेरी इच्छा पूरी करो वरना समझ लो मौत तुम्हारे सामने। जब अनुनय विनय ने काम नहीं किया तो अभय रानी नागिनी से फुकार उठी। उसने सुदर्शन को चेतावनी दी, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी, अब भी सोच ले। सुदर्शन मौन रहा। रानी ने अपने कपड़े फाड़ लिए और चिल्लाकर पहरादार को बुला लिया। पकड़ लो इसे, इसने मेरे शील को भंग करने का असफल प्रयास किया। तुम लोग क्या सोते रहते हो? धर्म का ढोंगी ये मेरे महलों में आया कैसे? इसे महाराज के पास ले जाओ और कहो कि जब तक इसे सूली नहीं दी जाएगी मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगी। सुदर्शन बंदी बना लिया गया। उसके कथित अपराध की बात रातों रात चंपापुरी में फैल गई, पर किसी को विश्वास ही नहीं होता था। मनोरमा ने मन ही मन कहा, सूरज ठंडा हो सकता है, पहाड़ों पर कमल खिल सकते, पर मेरे पतिदेव ऐसे नहीं हो सकते जैसा उन्हें सिद्ध किया जा रहा है। दूसरे ही दिन राजा दधिवान ने भरे दरबार में सुदर्शन से पूछा, जो भी सच्चाई हो निसंकोच बता दो। मैं जानता हूँ कि गंगा की धार उल्टी बह सकती है, पर तुम दुष्चरित्र नहीं हो सकते, तुम्हारे स्पष्टीकरण को ही मैं प्रमाण मानूंगा। वस्तुत राजा दधिवान सुदर्शन को अपने नगर का गौरव मानते थे, पर सुदर्शन कुछ और ही सोच रहा था। यदि मैं सच्चाई बता दूं तो रानी की बदनामी होगी, राजा मेरा विश्वास करके रानी को दंडित करेंगे। मैं रानी को माँ कह देता हूँ, बेटे का धर्म है कि प्राण देकर भी माँ के मान की रक्षा करें, अतः मैं मौन ही रहूँगा। सुदर्शन मौन ही रहा। राजा ने उसे एकांत में भी पूछा, वो बोला ही नहीं। राजा ने नगरी के विशिष्ट व्यक्तियों से कहा कि तुम ही सेठ सुदर्शन को समझा कि कुछ तो बोले। नगरी के लोगों ने सुदर्शन से बहुत आग्रह किया, पर वो बोला ही नहीं। राजा के कहने पर कुछ लोग सेठानी मनोरमा के पास पहुँचे, पर वह ध्यान में बैठी थी। उसके सेवकों ने कह दिया, सेठानी तब तक सेठ जी से नहीं मिलेगी जब तक वे निष्पाप सिद्ध न हो जाए, यदि धर्म में शक्ति है तो सच्चाई स्वयं ही बोलेगी। राजा बेचारा क्या करता, रानी अभय ने अपने नाटक में सारा राजमहल सिर पर उठा लिया। अंततः राजा दधिवहन को सुदर्शन के मौन ने चिढ़ा दिया, उन्होंने उसे सूली की सजा दे ही दी। वधिक सुदर्शन को वत्सल की ओर ले गए। चंपापुरी की प्रजा आंखों में आंसू भरे सेठ सुदर्शन को वत्सल की ओर जाते हुए देख रही थी। सुदर्शन को सूली पर चढ़ाया गया, उसने उसी समय संथारा ले लिया, धर्म की शरण ली। सुदर्शन ने मन ही मन सबसे क्षमा मांगी, सबके प्रति राग द्वेष त्यागा, नवकार मंत्र का जाप चालू हो गया। स्वर्ग के देवों के आसन हिल उठे, सभी देवों ने अपने अवधि ज्ञान से जान लिया कि क्या अनर्थ हो रहा है, बस चमत्कार ही हो गए। सुदर्शन की सूली का सिंहासन बन गया दिव्य स्मरण मंडित सिंहासन, देव आकाश से फूल बरसाने लगे, धर्मात्मा सुदर्शन की जय से धरा गगन दोनों गूंज उठे। राजा दधिवहन तक बात पहुंची, वे रथ में दौड़े आए और हाथ जोड़कर सेठ सुदर्शन से क्षमा मांगने लगे, क्षमा करो क्षमा करो, मैं अज्ञानी तुम्हारे प्रताप को न समझ सका। मनोरमा ने सुना तो दौड़ी आई, लोगों ने आग्रह करके उसी भी उस सुदर्शन के पास सिंहासन पर बिठाया। फिर राजा ने प्रार्थना की, धर्म मूर्ति सुदर्शन, आज तुम मुझसे कुछ भी मांग लो, तुमने मुझे क्षमा कर दिया, ये मैं तभी जानूंगा जब तुम आज मुझसे कुछ मांगोगे। आज तो मैं तुम्हें सर्वस्व दे सकता हूँ, वचन देता हूँ, मांगो। मांगता हूँ राजन, सुदर्शन ने कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो माता अभया से कुछ मत कहना, उन्हें क्षमा कर देना, इस प्रसव को ही भुला देना राजन, क्षमा शत्रु के प्रति भी ऐसी उदारता। राजा ने कहा, अभया तुम्हारी शत्रु ही तो है, मैं वचन पूरा करूंगा सेठ, अभया से कुछ नहीं कहूंगा। इसके बाद सेठ सुदर्शन मनोरमा के साथ नीचे उतर आए। उधर अभया रानी ने भी सब कुछ सुन लिया, उसे अपने कृत्य से इतनी ग्लानि हुई कि आत्महत्या कर ली। उसकी दासी पंडिता राजमहल छोड़कर भाग गई। जब राजा दधिवान राजमहल पहुंचे तो उन्हें रानी का शव ही मिला। कुछ देर पहले का हर्ष शोक में बदल गया। रानी के मरने से सेठ सुदर्शन का संसार में वैराग्य हो गया, वह बहुत दुखी हुआ। राजा ने रानी की दाह संस्कार कर दिया, सुली का सिंहासन बना, ये धर्म का चमत्कार था, इससे सुदर्शन का धर्म प्रेम और भी बढ़ गया। धर्म ही प्रेम है और वही तब रंग लाता है जब संसार से वैराग्य हो जाए। अभया रानी की आत्महत्या ने सेठ सुदर्शन को झकझोर दिया, कितना निस्सार है ये संसार, उन्हें हर व्यक्ति चिंता पर लेटा हुआ दिखाई देने लगा।
राजा रंग सभी के जीवन के परिणति शमशान में, मैं भी एक दिन चल बसूंगा। बस ये सब सोचते हुए सुदर्शन को संसार से वैराग्य होगा। उन्होंने दीक्षा लेने का निश्चय किया और मन की बात अपनी पत्नी मनोरमा को बता दी। मोहवश पहले तो मनोरमा सहमत नहीं, पर वह धर्मनिष्ठ महिला थी, पति के समझाने पर मान गई और उसने पति को दीक्षा की अनुमति दे दी। चंपापुरी के लोग भी जान गए कि नगर सेठ सुदर्शन दीक्षा लेंगे। राजा दधिवान ने इसका समर्थन किया। उन्होंने सुदर्शन सेठ का दीक्षा महोत्सव कराया। गाजे बाजे के साथ सुदर्शन सेठ मुनि सुदर्शन बन गए। मुनि वेश बाजे के धारण कर अंगार सुदर्शन ने चंपापुरी से अन्यत्र विहार किया। तब संयम और धर्म आराधना ही मुनिवर सुदर्शन के जीवन का लक्ष्य था। नगर नगर वे विहार करते थे और वही का जनता का धर्म का मर्म समझाते थे। भयवश पंडिता दासी चंपापुरी से भाग गई थी। आत्महत्या करने का दुस्साहस वह न कर पाई। अभया रानी के प्राण त्याग से वह और भी भयभीत हो गई थी। उसने सोचा कि राजा दधिवान मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। चंपापुरी से भागकर पंडिता पाटलिपुत्र पहुंची और उसने वहां भी एक अत्यंत रूपसी वेश्या हरिणी के यहाँ नौकरी कर ली। अपने चातुर्य और चापलूसी स्वभाव के कारण पंडिता शीघ्र ही हरिणी वेश्या का मूल अंगी अंतरंग दासी बन गई। एक दिन पंडिता ग्वाक्ष में खड़ी नगर की चहल पहल देख रही थी। उसने गोचरी के लिए विचरण करते एक मुनि को देखा। पंडिता मुनि को पहचान गई। वे मुनि सुदर्शन थे। मुनि को देखते ही पंडिता के मन में विचार आया, तो सुदर्शन अब मुनि बन गया। इसी के कारण रानी अभया ने प्राण दिए, कपिला ने मुक्की खाई और मुझे चंपापुरी छोड़नी पड़ी। बहुत संयमी बनता है, एक बार हरिणी को उकसाऊं वही इसे पद भ्रष्ट करेगी। व्यर द्वेष से दग्ध हो उठी पंडिता। उसने अपनी स्वामिनी हरिणी वेश्या को बुलाकर कहा, वह देखो, पहले उस मुनि को देखो, फिर बताऊंगी कि वह कौन है। हरिणी ने सुदर्शन मुनि को देखा तो बोली, बड़ा सजीला जवान है, इसका रूप यौवन अभी से मुनि बनने के लिए नहीं था, इसकी विशेषता बताती। पंडिता बोली, विश्व में ऐसी कोई नारी नहीं है जो इसे भोग ले, बड़ा संयमी। हरिणी उत्तेजित हो गई। उसे अपने रूप पर तो भरोसा था ही, अपने चातुर्य पर भी गर्व था। उसने पंडिता से कहा, क्या कहती है पगले, मैं चाहूँ तो इसे नचा सकती हूँ, तो फिर कोशिश करके देख लो। पंडिता ने कहा, पहले वह घटना तो सुन लो कि जो मैं जानती हूँ, तब कुछ करने की सोचना। पंडिता ने कपिला के साथ घटी घटना हरिणी को सुना दी। फिर अभय रानी के साथ जो बीती वह भी कुछ अंश बचाकर सुना दी। पंडिता ने शूली का सिंहासन बनने वाली घटना हरिणी को नहीं बताई, क्योंकि उसे सुनकर हरिणी मुनि सुदर्शन को फंसाने का विचार छोड़ देती। सब कुछ सुनने के बाद हरिणी ने कहा, पंडिता, न तो कपिला ही हरिणी थी और न रानी अभया ही हरिणी थी, मैं हरिणी हूँ। पाटलिपुत्र के लोग मुँह मांगा धन देकर भी मेरे यहाँ आना अपना सौभाग्य समझते। अब तू मेरा कमाल देखना, इस मुनि को मैं अपनी शैया पर सुलाऊंगी। यही पंडिता चाहती थी। हरिणी वेश्या ने अपने ताने बाने बुने। वेश्या से वह श्राविका बन गई, कपट श्राविका। वह नित्य उपवास रह जाने लगी। श्राविका के आचार विचार भी उसने सीख लिए और एक दिन सुदर्शन मुनि से विनती की कि मुझ दिन श्रमण उपासिका के घर भी कभी गोश्री के लिए आई। मुनि सुदर्शन ने हरिणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली और एक दिन वे हरिणी के आवास पर पहुंच गए। चतुर हरिणी ने तुरंत दरवाजे बंद के लिए और मुनि से कहा, नादानी मत करना, मेरी बाहों में आ जाओ, मैं तुम्हें स्वर्ग का सुख दूंगी। स्वर्ग का सुख भी अखंड नहीं है, मुनि ने कहा। पुण्यक्षीण होते ही स्वर्ग छूट जाता है, मोक्ष का सुख अखंड है, मैं उसी ही चाहता हूँ। इस तरह बहुत बातें हुई पर सुमेरु से अड़ी ग्रह मुनि सुदर्शन। अब तो हरिणी खिसिया गई। उसने कहा, तू भूखे प्यासे नहीं पड़े रहे, देखूंगी कब तक टिकोगे, भूख के आगे तो बड़े बड़े झुक गए। वेश्या ने मुनि को बंद कर दिया। मुनि एक कक्ष में ध्यान अवस्थित हो गए। भूख प्यास की चिंता उन्हें नहीं थी, क्योंकि वे देह नहीं देही थे। आत्मा में रहने वाला साधक शरीर की चिंता नहीं करता, भूख प्यास शरीर के धर्म है, आत्मा के नहीं। हरिणी ध्यानस्थ मुनि को तरह तरह से रिझाती थी, कभी संगीत सुनाती तो कभी पायलट झमका कर नृत्य दिखाती। कई दिन बीत गए, वेश्या हार गई। उसने सोचा, भले ही ये मुनि भूख से मर जाएंगे पर डिगेगा नहीं, मेरे सिर हत्या लगेगी। हरिणी का हृदय बदल गया। वह कपट श्राविका बनी थी पर अब सचमुच ही श्रवण उपासिका बन गई। उसके भीतर मुनि के प्रति अगाढ़ श्रद्धा जागी। वह मुनि के चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी, मैंने आपको बहुत कष्ट दिए, मुझे क्षमा कर दो, तुमने मेरा उपकार किया है कल्याणी। मुनि ने कहा, कष्टों से ही आत्मा का निखार होता है। हरिणी ने मुनि से आग्रह किया कि वे उसे धर्म का उपदेश दें। मुनि ने उसे धर्म समझाया। हरिणी ने श्राविका के 12 व्रत धारण किए और वह सच्ची श्राविका बन गई। पंडिता भी पछताई, उसका हृदय भी बदला। उसने भी मुनि से क्षमा मांगी और वह भी श्राविका बन गई।
मुनि सुदर्शन वेश्या के घर से चले तो सोचने लगे, मेरा स्वस्थ शरीर अनर्थ की जड़। इसने माता कपिला को विचलित किया, अभयारानी और हरिणों को भी कुमार पर ले जाने को प्रेरित किया। मैं तब द्वारा इस शरीर को सुखा डालूंगा। ये सोच मुनि ने नगरों में विहार करने का विचार सर्वथा त्याग दिया और एक वन में जाकर तप करने लगे। वे उग्र तप की साधना करते और हर समय ध्यान में ही रहते थे। आत्महत्या से जीव को सदगति नहीं होती। अभयारानी ने आत्महत्या की थी, इसलिए वह व्यंतरी बनी। संयोग से व्यंतरी बनी अभया उसी वन में रहती थी जिसमें मुनि सुदर्शन ध्यान में डूबे थे। व्यंतरी ने पूर्व वर का स्मरण किया तो वह वैर और क्रोध से दग्ध होती। उसने मुनि से बदला लेने का निश्चय कर लिया और उन्हें तरह तरह के कष्ट देने लगे। पर जो जो वह मुनि को कष्ट देती त्यों त्यों वे ध्यान की ऊंची श्रेणियों चढ़ते जाते थे। वे पूरी तरह समता रस में निमग्न थे। कष्टों को छोड़कर व्यंतरी सुंदर नारी के रूप में मुनि को आकर्षित करने लगी। उसने अनेक तरह से रूप मुनि को लुभाया पर वे विचलित नहीं हुआ। व्यंतरी ने खिसिया कर उन्हें पुनः पुनः कष्ट दिया और इसी क्रम में मुनि ध्यान की उच्चतम अवस्था में पहुंच गए और उन्होंने कर्म श्रृंखला को तोड़कर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब तो केवली मुनि का जय जयकार होने लगा। देवों ने उनका अभिनंदन किया। अभया के जीव वाली व्यंतरी अपनी कृत्यों पर बहुत व्यस्त है। उसने भी मुनि को वंदन किया। उसने बार बार मुनि से क्षमा मांगी, पर केवली मुनि सुदर्शन ने कहा, कल्याणी, तुम्हारे कारण ही मैंने अपना जीवन सार्थक किया। तुम यदि मेरा उपकार न करती तो मैं अपना पुनर्रूपण कल्याण न कर पाता। फिर केवली मुनि ने देशना दी। उनकी देशना से प्रभावित होकर व्यंती ने समत्व ज्ञान किया। फिर केवली मुनि सुदर्शन ने विहार करते हुए अपनी वाणी से जन कल्याण किया और अंतिम समय निकट जान अनशन कर प्राण त्याग कर मोक्षगामी हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।